नमस्कारम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर, क्योंकि कुछ विषय खास होते हैं और कुछ विषय ज़रूरी होते हैं। वो ज़रूरी इसलिए मानता हूँ, लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए और हमारे आयुर्वेद में जिस तरह से इसको जिस गहराई से लिया गया, उसके लिए मुझे आपसे ये बातें शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जी, मैं बात करने जा रहा हूँ आज दूध के बारे में। दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है और लोग अक्सर दूध को ठंडा पीना पसंद करते हैं गर्मी में। पीजिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रोज़ाना नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि ठंडा दूध भीतर जा कर के जल्दी पचता नहीं है। आप मुझे पूछेंगे क्यों। आपने शायद कभी नोट किया हो, शायद माताएं बहनें जानती होंगी कि जब आप दूध से पनीर बनाते हैं, उसकी छैना बनाते हैं, तो दूध को फटाना पड़ता है। तो दूध फटाने के लिए उसमें नींबू डाला जाता है या कोई खटाई डाली जाती है। और अगर उस दूध को आप गर्म ना करें और ठंडे दूध में खटाई डाल दें तो दूध फटता नहीं, इसलिए भीतर जा कर के भी दूध पचना होता है। और दूध पचने का निशानी ही यही है कि भीतर जा कर के दूध फट जाए, पानी अलग हो जाए और उसके अंदर के जो छैना है, जो उसकी फुट्टियाँ हैं, वो अलग हो जाए, ताकि हमें पानी यूरिन के रास्ते बाहर आ जाए और दूध का जो न्यूट्रिशन है हमें मिल जाए। लेकिन ठंडा दूध पीने से वो अंदर जाके फटता नहीं जल्दी, जल्दी नहीं फटता और गैस करता। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को माताएं बहनें कहती हैं, देखती हैं, बताती हैं कि अगर तो ये दूध फुट्टी वाला निकालता है मुँह से तो बच्चा स्वस्थ है। अगर बच्चा दूध बिना फुट्टी के, यानी सादा, बिल्कुल सीधा जैसा पिया वैसा निकालता है, तो इसका मतलब बच्चे की डाइजेशन ठीक नहीं है, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसी पुरानी माताएं बहनें बताया करती थी और ये सच भी है। तो ये दूध आप हमेशा गर्म ही पीजिए, गुनगुना ही पीजिए, और दूध को सायंकाल के बाद पीजिए, ज़्यादा लाभ करेगा। सुबह पी सकते हैं दूध, लेकिन कई लोग नाश्ते के साथ पीना शुरू कर देते हैं, ये गलत है। दूध के साथ नमक वाली चीज़ कभी नहीं खाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी में एक तो वाइट ब्लड सेल गिरेंगे, डाउन जाएंगे। क्यों? क्योंकि दूध और नमक आपस में रिएक्शन करते हैं और उससे आपकी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स तैयार हो जाते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हो जाते हैं गलत वाले, जिससे लड़ने के लिए बॉडी आपके वाइट ब्लड सेल को वहाँ भेजती है और आप रोज़ आपकी अपनी इम्यूनिटी को गिराते रहते हैं, ये गलत है। इसलिए दूध के साथ नमक वाली चीज़ ना लें। और अगर आप रेगुलर लेते रहेंगे, दूध के साथ परौठी खाते हैं कई लोग, दूध के साथ कई लोग बिस्किट ले लेते हैं नमकीन, ये गलत है। तो दूध के साथ अगर नमक वाली चीज़ लेंगे तो स्किन की प्रॉब्लम होगी, खारिश हो जाएगी, एक्जिमा हो जाएगा। कई लोग बोलते मुझे तो हुई नहीं। ठीक है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उससे लड़ रही है, जिस दिन वो नहीं लड़ेगी उसी दिन हो जाएगी। तो आप दूध के साथ नमक वाली चीज़ कभी ना लें। दूध रात को पिएं, रात को पीने से दूध ज़्यादा अच्छे से पचता है, बॉडी को उसका न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता है। हो सके तो सोते समय दूध पिएं। दूध में बादाम रोगन डाल लें, कभी हल्दी डाल लें, कभी उसमें अश्वगंधा डाल लें। जिनको ड्राइनेस है वो बादाम रोगन डाल लें, जिनको बहुत ज़्यादा ऑयली है बॉडी वो हल्का सा उसमें दालचीनी बॉयल कर लें, कभी सूंठ बॉयल कर लें। तो दूध, कई लोग मुझे बोलते हैं कि पचता नहीं मुझे, बिल्कुल ऐसी गलत धारणा है। दूध सबको पच जाता है, दूध तो बचपन से पी कर बड़े हुए हैं, हमने जानबूझ के उसको छोड़ दिया, अवॉइड कर दिया, तो कई साल नहीं पिया तो नहीं पचता। दूध जिनको नहीं पचता है वो सबसे पहले 4 चम्मच दूध पिए, दूसरे दिन 8 चम्मच पिए, तीसरे दिन 12 चम्मच पिए, फिर धीरे धीरे करते आधा कप पिए, फिर भी ना सूट करे आप, कई लोग कहते सूट नहीं करा जी, तो दूध में शक्कर डाल के पिए, ब्राउन वाली, जिसको आप ब्राउन शुगर कहते हैं, हम उसको खांड भी बोलते हैं, कई लोग खांड बोल देते हैं, अलग अलग नाम है, ब्राउन कलर की। गुड़ नहीं, गुड़ गर्म होता है, शक्कर ठंडी होती है। शक्कर डालने से गर्म दूध किया, नीचे उतारा और उसमें शक्कर डाल के पी गए, तो उससे दूध अंदर जाते ही फट जाता है। कई कई बार ज़्यादा गर्म गर्म दूध में डाल दो तो बाहर भी फट जाता है, इसलिए ध्यान रहे कि गुनगुना दूध हो तो उसमें शक्कर मिलाएं और पी जाएं। शक्कर मिला के तो सबको ही पचता है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। और दूध सुबह नाश्ते के बाद अगर पीना हो तो 1-1.5 घंटे बाद पियो, 1 घंटा ज़रूर दो, क्योंकि एक तो दूध भी अपने आप में संपूर्ण आहार है, दूसरा आप दूध के साथ रोटी खा लेते हो, फल खा लेते हो, कई लोग फल जोड़ जोड़ के खाते हैं दूध के साथ, ये भी गलत है। हमारे योगिक ट्रेडिशन में, हमारे ऋषियों के ज्ञान जो दिया हुआ है, उस जो परंपरा है उसमें ये सब गलत है।
दूध को अगर पीना है तो फिर 1 घंटे बाद नाश्ता करो, और अगर सुबह अगर नाश्ता कर लिया तो 1 घंटे बाद दूध लो, थोड़ा फासला रखो। ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। दूध को गर्म ही पिए, मैं फिर कह दूँ, ठंडा दूध गैस करता है, ठंडा दूध पचता नहीं है।